है, तो पॉइंट होगा वो एचपी से ऊपर बोलता है या फिर एचपी से नीचे बोलता है या फिर कहता है कि पॉइंट एचपी पर स्थित है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन देता है कि पॉइंट बीपी के सामने है या फिर पॉइंट बीपी के नीचे है या फिर पॉइंट बीपी पर स्थित है। इतनी कंडीशन देता है केवल, तो नौ कंडीशन है टोटल, इसी से मिलकर बनी है। तो क्या करेंगे, एक एक्स वाई एक्सिस बना लो डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। एक एक्स वाई एक्सिस बना लेंगे, अगर कहेगा पॉइंट एचपी से ऊपर स्थित है तो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ले लेंगे, एचपी से नीचे कहेगा तो एक्स वाई एक्सिस के नीचे ले लेंगे, एचपी पर कहेगा तो एक्स वाई एक्सिस पर ले लेंगे। और बनेगा क्या, अगर एचपी से ऊपर कहता है और पॉइंट ए है तो ये यहां पर हो जाएगा ए डैश, आए समझ में। एचपी से नीचे कहता है, ठीक है, और यहाँ पॉइंट बी मान लो तो ये हो जाएगा बी डैश, और एचपी पर कहता है तो यहाँ पर पॉइंट मान लो सी है तो यहाँ पर हो जाएगा सी डैश। इसका मतलब ये है कि एचपी से कुछ भी कहेगा हमेशा डैश वाला बनेगा, ठीक है। डैश किस पे लगता है, फ्रंट व्यू पे लगता है, तो एचपी से कुछ भी कहेगा हमेशा फ्रंट व्यू बनेगा। अगर एचपी से ऊपर तो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर फ्रंट व्यू, एचपी से नीचे तो एक्स वाई एक्सिस के नीचे फ्रंट व्यू, एचपी पर तो एक्स वाई एक्सिस पर फ्रंट व्यू, क्लियर है। उसके बाद अगर बीपी के सामने कहता है तो सामने वाला घूम कर क्या आता है, नीचे आता है, तो एक्स वाई एक्सिस के नीचे। अगर बीपी के सामने कहता है तो सामने वाला घूम करके नीचे, तो एक्स वाई एक्सिस के नीचे, और बीपी के अगर पीछे कहता है तो घूम करके ऊपर जाता है तो पीछे वाला ऊपर, अगर बीपी पर कहता है तो एक्स वाई एक्सिस पर ही मिलेगा, ठीक है। और कौन सा पॉइंट मिलेगा, ए डैश ऊपर हो गया तो नीचे ए, बी डैश नीचे हो गया तो ऊपर जाएगा बी, ये सी डैश हो गया तो ये नीचे हो जाएगा यहाँ पर सी। मतलब कि बीपी से अगर सामने कहता है।